हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल आर डूइंग फाइन। तो अभी बज रही सुबह की 8:30। मैं नहा धोआ के आ गया। आज मेरा बहुत सारा कपड़ा धोना था तो मैं कपड़ा धो लिया। ऊपर से यहाँ पे बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा सारा कपड़ा मैंने आज ही क्यों धो लिया। तो सुखाने का जगह नहीं है, मैं तो ऐसे धो के रस्सी में दे दिया। अब सूखने के लिए अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से और भी ज़्यादा भीग रही है। तो सारा कपड़ा वगैरह जो है मेरे को फिर से उठाना पड़ेगा। तो चलो कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो और एक सरप्राइज है आज, देखती हूँ क्या हो सके। मैंने सोचा कुछ बाद में बताऊँगी, बोलने के भी मन नहीं कर रही है। तो ब्लॉग के एंड पे बने रहो, आ गए आप लोगों से मिलते रहोगे। चलो बाय बाय। तो मैं सारा कपड़ा वगैरह धो दिया, यहाँ पे देखो सूखने के लिए दिया, सूखने के बजाय यहाँ पे भीग रही है। तो सारा कपड़ा जो मैं उठा लूँगी। तो मैं जा रही हूँ हम लोग का न्यू घर पे। ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा देखो बारिश हो रही है। मैं कपड़ा वगैरह उठा के आई हुई, देखो बारिश गिर रही है, मेरा मोबाइल ना ख़राब हो जाए। तो मैं ऐसे ही थोड़ा भीग भीग के जा रही हूँ। छता वगैरह का छता वगैरह लेकिन आई हूँ, इतना जोर जोर से नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रही है। लेकिन सर्दी का प्रॉब्लम ऐसे ही मेरे को चल रही है और ज़्यादा सर्दी आ जाएगा। कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लिया मैंने सर पर। तो चलो चलती हूँ, थोड़ा टाइम रुकूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगी। तो फिर घर आके फिर आप लोगों से मिलूँगी। चलो तो देखो बारिश हो रही है। यहाँ विलेज में अभी धान का सीज़न है, धान काट रही है, धान का जो खेत होते हैं ना काट रही है। तो बारिश के वजह से किसान लोगों का बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। बारिश ना आए हुई अच्छा है किसान लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी धान काट रही है। अभी बारिश होने से ना धान वगैरह जो काट के रखा है किसान लोग ख़राब हो जाएगा भीग के। तो बारिश तो थोड़ा थोड़ा हो रही है, इससे ज़्यादा ना हो तो भी बेटर है। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं जा रही हूँ घर। तो घर जाने वाली थी इसी टाइम, देखो उल पुक फिर से आज भी निकल रही है और पंछी वगैरह आके खा रही है। अचानक से ना थोड़ा जोर शोर से बारिश आ गया तो अंधेरा भी हो रही है। तो मैं इससे थोड़ा टाइम रुक के फिर जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो हर रोज ऐसे उड़पुक आते उड़ती हमारे घर से, पता नहीं क्यों। और सारा तरफ धान खेत है ना, सो और यहाँ पे गाइस मैं पुराने घर आ गया। यहाँ आके बहुत सारे काम वगैरह किया, बहुत सारे सामान जो है साफ करना था, धुना था, तो मैं धो के रख दिया। अभी मैं लेके जाऊँगी नए घर पे। तो ऊपर से बारिश भी हो रही है और हमारे घर में देखो सोफा में कितना सारा कपड़ा वगैरह है। तो सारा कपड़ा जो है जांच करके रख दिया हमने। तो सिजिल भी लगानी है, तो कहाँ पे सीधी लगाओ, यहाँ पे लगाओ या वहाँ पे लगाओ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा सामान वहाँ पे लेके जा रहे कपड़ा वगैरह भी, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधी नहीं लगाती है, क्योंकि क्या फ़ायदा, थोड़ी देर बाद वहीं पे जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कपड़ा ऐसे ही रख देती हूँ, सीजिल लगाने का मन नहीं करते, इसे लेके जाना पड़ते। सो थोड़ा सामान मैं रेडी कर लिया बाहर का, पापा बोला लेके आओ। तो मेरे गार्डन का भी कुछ सामान है तो मैं लेके न्यू घर पे जा रही हूँ। बारिश भी हो रही है, मैंने सोचा आज गार्डन एरिया में थोड़ा सीजिल लगाऊँगी, गार्डन को थोड़ा जो टॉप वगैरह है मतलब थोड़ा ठीक कर लूँगी, इधर उधर सिजिल से लगाऊँगी। तो बारिश हो रही है नहीं कर पाऊँगी, जो सामान मैंने साफ वगैरह किया तो वो मैं लेके वहाँ पे जाऊँगी। आज मेरे को दो दो बार नहाना हो गया, ऊपर से खांसी भी बुखार भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ और बारिश भी हो रही है। तो चलो चलती हूँ, लंच भी करना है वहाँ जाके। तो चलो चलती हूँ न्यू घर। तो गाइस हम लंच करके सो गया था, ऊपर से बारिश भी हो रही है, ठंड का मौसम है। तो यहाँ पे डिनर बना रही हूँ, हम डिनर में हम रोटी और भाजी बना रहे हैं। तो हम लोग का जो रोटी बनाने का तावा है पता नहीं कहाँ पे है, मम्मी ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, तो मैं जिस कढ़ाई में भाजी बनाए उसी कढ़ाई में रोटी भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी डिनर के लिए, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही है। सो हम जल्दी डिनर करके हमारे पुराने घर में भी जाना है, तो मैं यहाँ पर रोटी वगैरह बना रही हूँ। मैंने भाजी बना लिया, यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेक के फिर हम डिनर कर लेंगे। अभी बज रही 7:30, तो हम जल्दी जल्दी डिनर करके घर चले जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है और हवा भी बहुत ज़्यादा दे रही है। तो गाइस इसका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।